नमस्कार, तहे दिल से और खुली बाहों से स्वागत करता हूं आप सबका उत्कर्ष क्लासेस के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है घन घनाभ यानी क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। कोशिश करेंगे इसे आज सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इसमें कवर कर लें। हालांकि टॉपिक थोड़ा लंबा है, परंतु जिस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सभी तरह के क्वेश्चंस दोस्तों मैं आज की क्लास में कवर करवा दूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और उत्कर्ष के माध्यम से दोस्तों लगातार पढ़ रहे होंगे। इम्प्रूवमेंट आप में हो रहा होगा। प्रहलाद जाट कह रहा था कि सर आप मेरा नाम नहीं लेते हो। प्रहलाद जाट, सबसे पहले आपका नाम ले रहा हूं आज की क्लास में। अ वेरी गुड आफ्टरनून सबको। दोस्तों मेरा बहुत सारा प्यार, भगवान आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आज की क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। बातें तो बीच बीच में चलती रहेंगी। तौकीर, हितेश, लक्ष्मी, निशा, विजय, सुबिता, सुरेंद्र, नरेश, बहुत सारे दोस्त मेरे। अब देखो फटाफट से कमेंट जाते हैं ना, तो अभी अपन बातें नहीं करेंगे, अभी अपन टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों जब क्यूब्स एंड क्यूबॉइड में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आता है क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स में कुछ इस तरह का कि काट रहे हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में वगैरह वगैरह। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। वो रंग लगाकर काटा है, जो अगर आप में से कुछ लोग इस टॉपिक के बारे में जानते हैं, रंग लगाया और फिर काटा, उसकी बातें हम बाद में करेंगे, हमें उसकी टेंशन नहीं है। क्वेश्चन ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनना। एक घन मतलब क्यूब की भुजा, एक घन की भुजा 15 सेंटीमीटर है। इसके 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने समान घनाकार टुकड़े हो सकते हैं? अंग्रेजी में लिख रहा हूं दोस्तों, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर इज कट into smaller cubes of side 3 centimeter. Find total number of cubes. अब दोस्तों इसको रटने के भी बहुत सारे तरीके हैं और इसको समझने की बहुत सारे तरीके हैं, पर आप और मैं समझदार लोग हैं, आप और मैं पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप और मैं दोस्तों इसको समझदारी से करेंगे, रट के नहीं करेंगे। आप पहले ये सोचिए दोस्तों कि आपके सामने एक क्यूब है, एक सॉलिड घन है, क्यूब है, जिसकी भुजा है 15 सेंटीमीटर। दोस्तों ये 15 सेंटीमीटर का कोई क्यूब मान लो, इसकी हर भुजा 15 की है, तो क्यूब तो ऐसा दिखता है, हाँ या ना? क्यूब तो ऐसा दिखता है, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अब दोस्तों इसकी हाइट भी 15, इसका लेंथ भी 15, इसका ब्रेथ भी 15, एवरीथिंग इज 15। आपको इसके 3 सेंटीमीटर भुजा वाले जब टुकड़े होंगे दोस्तों तो क्यूबिकल टुकड़े होंगे, घनाकार टुकड़े होंगे, और टुकड़ों का लेंथ भी 3 सेंटीमीटर्स होगा। यानी दोस्तों 15 सेंटीमीटर में एक दिमाग लगाओ कि 15 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े होंगे, तो 15/3 5 टुकड़े हो जाएंगे कि नहीं? अब 5 टुकड़े दोस्तों एक्स एक्सिस पे 5 टुकड़े हो गए इस तरह से, वाई एक्सिस पे टुकड़े हो जाएंगे 5, वाई एक्सिस पे भी टुकड़े कितने हो गए 5, और जेड एक्सिस पे भी दोस्तों टुकड़े कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। सही बोल रहा हूं कि नहीं? आपसे पूछा ये टोटल क्यूब्स कितने होंगे। दोस्तों मैथ्स में मेंसुरेशन अगर आपने पढ़ा है, मैथ्स में अगर मेंसुरेशन आपने पढ़ा है, क्षेत्रमिति आपने पढ़ी है, तो दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम सेम रहता है। पर मैं आपसे कह रहा हूँ आप दिमाग लगाओ, 15 सेंटीमीटर के 3 सेंटीमीटर वाले टुकड़े आपने किए हैं, तो टोटल घन कितने हो जाएंगे? 5 × 5 × 5 यानी 5 का क्यूब 125 टुकड़े हो जाएंगे। जो मेरा दोस्त इसको रटना चाहे वो कुछ इस तरह से रट सकता है। बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा का घन जो होता है दोस्तों वो टोटल क्यूब्स होते हैं, वो टोटल क्यूब्स होते हैं। या डिटेल में लिखें तो ये होता है दोस्तों n की वैल्यू, कैपिटल A अपॉन स्मॉल a इज इक्वल टू n, और टोटल जो घन होते हैं, छोटे घनों की संख्या जो होती है वो होती है एन क्यूब। वो कितनी होती है? एन क्यूब होती है, यानी कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए का क्यूब इज इक्वल टू टोटल क्यूब्स। सीधे क्वेश्चन को देखो, 15 सेंटीमीटर का साइड है, 3 सेंटीमीटर के टुकड़े करने। आपके दिमाग में यह आना चाहिए दोस्तों, पहले आप एक बात समझो, इतने बड़े घन के छोटे छोटे टुकड़े कैसे होंगे? आपने अपने घर में कभी अपनी बहन को, अपनी माता को दोस्तों प्याज काटते हुए देखा होगा, बारीक वाला। वो पहले उस पे ऐसे कट लगाते हैं, फिर उस पे ऐसे कट लगाते हैं और फिर ऊपर से नीचे काटते हैं और वो छोटे छोटे पीसेस में बिखर जाता है। उसी तरह दोस्तों, पहले इसको इस तरह काटा गया, फिर इसको इस तरह काटा गया और फिर इसे आगे से पीछे तक काटा गया, तब जाके ये बिखर गया और बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए। वो कितने टुकड़े हो गए इसके? 125। कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए का क्यूब। दोस्तों कैपिटल ए कितना है? कैपिटल ए है 15 सेंटीमीटर और स्मॉल ए है 3। कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए दोस्तों एन की वैल्यू होती है। फील करो एन क्या है, जहां भी देखो वहां कितने टुकड़े दिख रहे हैं? 5। पीछे देखो 5, ऊपर देखो 5, हर जगह 5 टुकड़े। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ये तो हो गए स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए। और इसका क्यूब करोगे दोस्तों ये जाएगा 5 बार 5 का क्यूब 125 क्यूब्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125 क्यूब्स इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड आफ्टरनून सबको एक बार फिर से, जो लोग लेट जुड़े हैं दोस्तों। लगातार ध्यान बनाए रखोगे ना तो एंड तक परिपक्वता हासिल कर लोगे इस टॉपिक में। वो रंग करने वाले क्वेश्चन किताब खोलोगे सबसे पहले मिलेंगे, पर आजकल वो कम आते हैं, आजकल कॉमन सेंस वाले आते हैं। देखते जाओ जरा, क्वेश्चन देखते जाना। एक और ऐसा क्वेश्चन दोस्तों करना, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा 24 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा 4 सेंटीमीटर, कुल छोटे घन, कुल छोटे घन। अंग्रेजी वाले दोस्तों समझ जाएं, घन का मतलब होता है क्यूब्स, घन का मतलब क्या होता है? क्यूब्स। और भुजा का मतलब होता है साइड, भुजा का मतलब क्या होता है? साइड। तो एक बड़ा क्यूब है जिसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर, उसके आपको बहुत छोटे छोटे क्यूबिकल घनाकार टुकड़े करने हैं। हर घन की छोटे की घन की जो लेंथ है वो होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर, और आपको बताना है कितने छोटे छोटे टुकड़े होंगे। अब दोस्तों कॉमन सेंस लगाना है, फील करना है। जब तक फील नहीं करोगे तब तक फॉर्मूले तो कल सुबह भूल सकते हो ना, फील करोगे तो समझ में आएगा। आप मुझे केवल इतना सा बताओ दोस्तों कि ये 24 बाय 24 बाय 24 का क्यूब है, इसमें 4-4 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े हो सकते हैं? 4-4 सेंटीमीटर के 6 टुकड़े हो सकते हैं कि नहीं? तो 6 टुकड़े x एक्सिस पे, 6 टुकड़े y एक्सिस पे और 6 टुकड़े z एक्सिस पे। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 6 का क्यूब 216 टुकड़े हो जाएंगे दोस्तों। कितने टुकड़े हो जाएंगे? 216 टुकड़े हो जाएंगे। अंशुमन प्रताप सिंह कह रहा है सर आई एम फ्रॉम बुलंदशहर, बहुत अच्छा लगा दोस्त आपसे मिलके। समझ रहे हो यहाँ पे सब लोग 216 जो फॉर्मूले से करना चाहे, कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा दोस्तों कितनी है? बड़े घन की भुजा 24, छोटे घन की भुजा 4 का क्यूब। 24 बटा 4 6, 6 का क्यूब 216 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 216 आंसर हो जाएगा। एक और, इसको और थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर और छोटा सा अगर चेंज कर दें दोस्तों, ध्यान से मेरी बात सुनना। एक ठोस घन, एक ठोस घन के 5 सेंटीमीटर वाले, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 समान घनाकार टुकड़े किए गए। उस बड़े घन की भुजा बताओ, उस बड़े घन की भुजा कितने सेंटीमीटर थी? जो पहले क्यूब था दोस्तों, उस क्यूब की वैल्यू नहीं पता, उस क्यूब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं पता, पर वो जो क्यूब था दोस्तों, वो अब छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काट दिया और हर टुकड़े की जो लेंथ है यानी साइड है वो है 5 सेंटीमीटर और आपने 64 टुकड़े किए हैं दोस्तों। अब आप मुझे ये बात बताओ, क्यूब है, क्या है क्यूब, तो 64 छोटे छोटे टुकड़े दोस्तों, 64 छोटे छोटे टुकड़े, तो 64 किसका क्यूब होता है सर? 64 4 का क्यूब होता है। मतलब 4 टुकड़े आपने ऐसे किए, 4 टुकड़े आपने ऐसे किए और 4 टुकड़े आपने ऐसे किए, तो जाके 64 क्यूब्स होंगे दोस्तों। हर टुकड़े की लंबाई है 5, तो पूरे टुकड़े पूरी लेंथ कितनी होगी? 5 × 4 20 सेंटीमीटर होगी। दोबारा से समझना, फॉर्मूले से करते हो, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा का क्यूब करते हो तो टोटल घन मिलते हैं, टोटल घन मिलते हैं। बड़े घन की भुजा निकालनी है, छोटे क्यूब की भुजा है 5, इसका क्यूब करोगे तो आपको टोटल क्यूब्स मिलेंगे जिसकी वैल्यू है 64 दोस्तों। क्यूब हटाना है तो क्यूब रूट करें, क्यूब रूट करूंगा तो a/5 = 64, 4 का क्यूब होता है, 5 × 4 = 20 आ जाएगा, a = 5×4 = 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है या नहीं दोस्तों? अब ये हर क्वेश्चन में क्यूब था, ये हर क्वेश्चन में क्यूब था। अगर ये क्यूबॉइड हो जाए, घनाभ हो जाए तो क्या होगा? ज़रा क्वेश्चन पे गौर से देखना दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन है, एक घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर व 18 सेंटीमीटर हैं। साइड्स, डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड, डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में समान रूप से काटना है, समान रूप से काटना है। कुल छोटे घन कितने होंगे? ध्यान से सुनना दोस्तों, अब इस बार घन नहीं है, घनाभ है, क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है। जो कॉमन सेंस से कर रहा है वो कर लेगा और जो रट के कर रहा है उसको दिक्कत होगी दोस्तों। इस बार एक क्यूबॉइड है और उस क्यूबॉइड की साइड्स आपको दी हैं 15, 12 और 18, 15, 12 और 18। अगर ये 12 है, ये 18 है और ये 15 है फॉर एग्जाम्पल दोस्तों। इसमें आपको टुकड़े करने हैं 3 सेंटीमीटर वाले। आप मुझे बताओ, इस 18 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े होंगे? आप कहेंगे सर 6 टुकड़े हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6। तो वो 6 टुकड़े दोस्तों ऐसे होंगे या नहीं होंगे? इस 12 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े होंगे। क्या वो 4 टुकड़े ऐसे होंगे या नहीं? और 15 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर के दोस्तों 5 टुकड़े होंगे। क्या वो 5 टुकड़े ऐसे होंगे या नहीं? यानी आपने अभी तक पढ़ा था बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। दोस्तों अगर आप पहले पेज पर चलते हैं, ध्यान से देखना, अगर आप पहले पेज पर चलते हैं, मैंने आपको बताया था कैपिटल A/a n की वैल्यू होती है और n क्यूब आपको टोटल क्यूब्स देता है। अगर ये n की वैल्यू हर बार अलग हो जाए तो, यानी इन केस ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ के वक्त पे दोस्तों टोटल क्यूब्स होते हैं, टोटल क्यूब्स होते हैं n1 × n2 × n3। एन घन था तो एन क्यूब था, घनाभ है तो एन1 इंटू एन2 इंटू एन3 है। एन1 क्या है भाई, आपको सारे घन चाहिए दोस्तों 3 सेंटीमीटर के। कितने सेंटीमीटर? 3 के। पहली भुजा है 15 तो 15/3, दूसरी भुजा है 12 तो 12/3, तीसरी भुजा है 18 तो 18/3। जस्ट इन्हें मल्टीप्लाई कर लो। 15 वाली भुजा में 4 टुकड़े होंगे, 18 वाली भुजा में 6 टुकड़े होंगे, 12 वाली भुजा में 3 टुकड़े होंगे, तो 5 × 4 × 6 कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यानी ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 6 बार। 5 × 4 × 6 यानी 120 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको करना है। क्यूब के वक्त पे एन क्यूब था मतलब n की पावर 3, यहाँ पे तीनों n अलग हैं तो n1 × n2 × n3, 3 बार n तो अभी भी मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है दोस्तों? कल सर क्लास नहीं लेंगे, कल सर मुझे मिर्ज़ापुर देखनी है। हाँ तो मिर्ज़ापुर देखो, हमने मिर्ज़ापुर देखने के लिए छुट्टी रखती है क्या? ठीक है, फालतू बातें हैं। बिल्कुल समझ में आ गया दोस्तों आपको? ओके, एक और क्वेश्चन देखिए। एक घनाभ की भुजाएं साइड्स ऑफ अ क्यूबॉइड 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। इसके 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनाकार टुकड़े होंगे? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो आप चुटकियों में दे दोगे, और इसका अगला क्वेश्चन एक बहुत धांसू क्वेश्चन इसके अगला दोस्तों मैं आपके सामने फेंकने वाला हूं। अगर इसका अगला क्वेश्चन आपने कर लिया दोस्तों तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और फिर मैं आज आपके सामने दोस्तों एक ज़बरदस्त खबर आपको बताने वाला हूं, क्लास के एंड में बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आप पेन छू लिया दोस्तों तो धिक्कार है मानव जाति पर, धिक्कार है हड़प्पा सभ्यता पर, धिक्कार है वैदिक सभ्यता पर, धिक्कार है उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री जो सुखदेव जी आपको पढ़ा रहे हैं, और धिक्कार है उसके बाद में दोस्तों जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया, और उसके बाद दोस्तों जो आज़ादी मिली उसके बाद भी जो जीवन भारत का रहा, वो सब खत्म हो जाएगा अगर इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पेन छूना पड़ गया। दोस्तों पेन छूना नहीं पड़ेगा। 12 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर के 6 टुकड़े, 10 मीटर में 2 सेंटीमीटर के 5 टुकड़े और 14 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर के 7 टुकड़े, यानी n1 × n2 × n3 कर लो दोस्तों, तो 6 × 5, 30 × 7, 210 शुड बी द करेक्ट आंसर। सबका आंसर 210 आया या नहीं आया? वेरी नाइस सौरभ गोठवाल, अमोद मदनलाल, गार्गी, गोविंद, प्रहलाद जाट, राज यादव, सुमन सब, विश्व सुमन, SB विष्णोई, ओके, पूजा सैनी, वेरी नाइस गाइस, सबके आंसर करेक्ट आ रहे हैं ना। जलेश रत्न, कभी और दोस्त, अभी क्लियर हो गया। ओके दोस्तों, अब एक अच्छा क्वेश्चन है, करके बताओ। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, पर पहले हिंदी वाले देखें और क्वेश्चन का आंसर दे दोस्तों। एक बड़े घनाकार पत्थर, के एक मशीन द्वारा 343 समान छोटे घनाकार टुकड़े किए गए। इस कार्य के लिए 10 रुपये प्रत्येक कटाई की दर से मजदूरी की आय कितने रुपए है? ऑप्शंस दे रहा हूं दोस्तों, 210 रुपए, 70 रुपए, 490 रुपए, 180 रुपए। चार ऑप्शंस दे रहा हूँ, अंग्रेजी वाले भी देख लें। अ बिग क्यूबिकल स्टोन वॉज कट इनटू 343 स्मॉलर क्यूबिकल pieces with a machine at the rate of 10 rupees per cut. Find the labor's income. हाँ दोस्तों, क्या आंसर होगा? 70 रुपये ज़्यादातर लोगों ने आंसर दिया है। बिल्कुल 2 कौड़ी का गलत आंसर है दोस्तों। आलिया भट्ट का आंसर भी 70 था। आलिया भट्ट के अकॉर्डिंग भी आंसर 70 था। फिर उसका भाई वरुण ग्रोवर आया, बोला सर 490 होगा। मैंने कहा नहीं, 490 गलत है। फिर दोस्तों अपना हुड़हुड़ दबंग दबंग सलमान भाई आए, बोले 3,430 रुपये होगा और कुछ ऐसे ऐसे डांस करने लगे। मैंने बोला 3,430 ऑप्शन में दिया ही नहीं है मैंने। अरे हाँ या ना? बोले हम तो फुटपाथ पे गाड़ी चला देते हैं, मतलब जहाँ नहीं चलना चाहिए वहाँ भी चल लेते हैं, तो इस ऑप्शन के बिना भी 3,430 आंसर होगा। मैंने कहा नहीं, वो आपका ड्राइवर का काम है, आप नहीं करते हो। तो दोस्तों अब फिर धीरे धीरे समझदार लोग आने लगे। अनुराग कश्यप आने लगा। अनुराग कश्यप आया, बोला सर 110 रुपये होंगे। और इधर से दोस्तों कंगना राणावत आई, बोली सर 180 रुपया होगा। मैंने कहा अब इन दोनों में कौन जीतेगा? बताओ, कंगना राणावत जीतेगी या अनुराग कश्यप जीतेगा? कौन जीतेगा? 210 या 180 क्या आंसर होगा इसका? आंसर दोस्तों अगर पहले से ही किसी को पता है, किसी ने एक क्वेश्चन देखा हुआ है और वो आंसर दे रहा है तो अलग बात है, पर अगर आपने क्वेश्चन को पहली बार देखा है और अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं, मतलब दोस्तों आप जबरदस्त जिंदाबाद और बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। 1947 में, यानी आपके पिछले जन्म में दोस्तों आपने बहुत बड़े बड़े कार्य किए होंगे। यस, 210 या 180? 210 या 180 दोस्तों, करेक्ट आंसर 180 होगा। क्यों होगा उसकी बात को ध्यान से सुनना। पहले दिल पे हाथ रख के कसम खाना कि कितने लोगों को लग रहा था कि सर 3,430 आंसर होगा। दोस्तों 3,430 उनके लिए आंसर होता जब हम आपसे कहते कि काटने वाले को 10 रुपये प्रत्येक घन के दिए गए, पर क्यूब के दिए गए, जबकि उसको 10 रुपये प्रत्येक कटाई के दिए गए, पर कट। 10 रुपये पर कट। दोस्तों ये कट क्या है? मैंने कहा सोचो, प्रोसीजर समझ में आना चाहिए। दोस्तों मैथमेटिक्स में जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो तो दुकानदारी को दिमाग में बैठाओ, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करो तो ब्याज बट्टा दिमाग में बैठाओ। वैसे ही दोस्तों कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं, दिमाग में लाइए क्या बोल रहा है। दोस्तों एक बड़ा क्यूब होगा। आपको मैंने एक बात लिखवाई है कि टोटल क्यूब्स का फॉर्मूला होता है एन क्यूब, यानी एन क्यूब इज इक्वल टू 343, तो एन की वैल्यू 7 होगी। आप समझ गए? एन की वैल्यू 7 का मतलब जहां से भी देखोगे 7 कट मिलेंगे। एक बड़ा क्यूब है, कुछ इस तरह दिखता है। उसके 343 टुकड़े का मतलब दोस्तों 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लेयर्स में इसको ऐसे काटा होगा। दोस्तों अब ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं लेके आया मशीन कटर, मैंने इसको इस तरह से काटना, लंबी प्लेट्स के रूप में काटना शुरू किया। मुझे इसके 7 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं? 7 टुकड़े। फिर मैं मशीन से दोस्तों 7 टुकड़े कुछ इस तरह भी करूँगा। फिर मैं मशीन से सात टुकड़े कुछ इस तरह भी करूँगा। जब मेरे दोस्तों के दिमाग में 7 आया तो सबने सोचा कि सर 7 बार ऐसे और 7 बार ऐसे, यानी 21 बार मशीन थर ठक तक चलेगी। तो 21 के हिसाब से 210 रुपये आया। मैंने बोला ये भी गलत है। क्यों गलत है सुनना दोस्तों। मुझे इस पेन के 2 टुकड़े करने हैं। कितनी बार तोड़ूं? आप कहेंगे सर एक बार तोड़ दीजिए, दो टुकड़े हो जाएंगे। दोस्तों किसी कागज के तीन टुकड़े करने हैं, कितनी बार काटूं? आप कहोगे सर दो बार काटो, तीन टुकड़े हो जाएंगे। वैसे ही दोस्तों मुझे ध्यान से सुनना, मशीन से ऐसी 7 लेयर्स में इसको बांटना है, 7 लेयर्स में बांटना है, तो कितनी बार काटूं? आप कहेंगे 7 लेयर्स में काटना है तो 6 बार काटो। फॉर्मूला बता दूंगा, रट लेना, पर पहले समझ लो। फिर मैंने कहा लेफ्ट से राइट मुझे 7 टुकड़े करने हैं, कितनी बार काटूं? आपने बोला सर 6 बार काटो, 7 टुकड़े हो जाएंगे। और फिर आगे से पीछे भी 7 टुकड़े चाहिए, कितनी बार काटूं? तो 6 बार काटो, मतलब 18 कट्स लगाओगे, 18 बार कटाई की जाएगी और हर कटाई का 10 रुपया मिलेगा। तो 10 रुपए के हिसाब से अगर 18 कट्स लगाओगे तो 180 रुपए की इनकम हो जाएगी। अब ये दोस्तों ये इनकम वाली चीज़ तो मैंने एक्स्ट्रा डाल दी, काम की चीज़ ये है कि नंबर ऑफ कट्स, कटाई की संख्या का कोई फॉर्मूला है क्या? कटाई की संख्या, नंबर ऑफ कट्स, नंबर ऑफ कट्स। तो सुनो 7 लेयर्स, 7 लेयर्स और 7 लेयर्स, हर बार 6 बार काटोगे, मतलब n-1। और ऐसे कट दोस्तों 3 बार लगाओगे, कितनी बार लगाओगे? 3 बार, एक बार x एक्सिस पे, एक बार y एक्सिस पे और एक बार z एक्सिस पे। तो 3 × 6 18 कट। ये तो दोस्तों नंबर ऑफ कट्स का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला आया नंबर ऑफ कट्स का? नंबर ऑफ कट्स का फॉर्मूला आया 3 × n-1। बाद में 10 रुपए से मल्टीप्लाई करना है, वो एक्स्ट्रा कॉमन सेंस है। तो दोस्तों 343 से हम समझ गए कि n की वैल्यू 7 है और 3 × 7-1 यानी 3 × 6 18 कट्स और फिर 18 × 10 रुपए करूंगा तो 180 आंसर आ जाएगा। बात मेरे दोस्त सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगली बार ये वैल्यू बदलेगी, पर क्या आपका तरीका बदलेगा? और अगर आप ये रट रहे हैं दोस्तों, अगर आप ये रट रहे हैं तो आप कलयुग के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि कलयुग में दोस्तों वही जी पाएगा जो कॉमन सेंस लगाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वेरी नाइस, लिख लीजिए। बिना कॉमन सेंस के दोस्तों अनन्या पांडे जीवित है, बिना कॉमन सेंस के और 2-4 लोग जीवित हैं जिनके पिता चंकी पांडे हैं, जिनके पिता शक्ति कपूर हैं, पर आपके पिता तो चंकी पांडे भी नहीं है और आपके पिता शक्ति कपूर भी नहीं है। आपके पिता तो समझदार लोग हैं, तो समझदार पिता की संतानें समझदार होंगी तभी कलयुग में टिक पाएंगी। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? वेरी नाइस। आपस में ज़्यादा बातें मत किया करो, आपसे बात करने के लिए मैं हूं ना, ठीक है? गहलोत जी, RJ 29, कैसे कैसे प्रोफाइल नेम लेते हो रे? जसपाल मनेवाला, स्वागत है दोस्त। समझ नहीं पा रहे हैं सर, एक बार और समझाओ। दोस्त एक बार और समझाता हूं, गौर से देखना। 343 क्यूब्स कब होंगे? जब आप n की वैल्यू 7 हो जाए, मतलब 7 टुकड़े दिखने पर। 7 टुकड़े करने के लिए 6 बार काटना पड़ेगा, तो 6 बार काटोगे तो 6 बार x एक्सिस पे, 6 बार y एक्सिस पे और 6 बार z एक्सिस पे। 18 बार काटोगे, जिसकी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है 3 × n-1। ठीक है दोस्तों, अब एक ही तरह का फॉर्मूला एक ही बार बहुत है, एक ही तरह का क्वेश्चन एक ही बार बहुत है। ज़्यादा बार करके भी क्या करोगे? फिर भी सपोज करो आपको करना हो दोस्तों, तो क्वेश्चन लिख रहा हूं, 32 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन के 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार टुकड़े करने के लिए इसे कितनी बार काटना होगा? कितनी बार काटना होगा? इसे कितनी बार काटना होगा दोस्तों? आप याद रखिएगा n-1 और वैसे 3 बार कट लगाने पड़ते हैं, तो नंबर ऑफ कट्स ही पूछा है, आगे कुछ रुपया फुपया नहीं पूछा। बड़े घन की भुजा 32 है, छोटे घन की भुजा 4 है, तो हमने कहा भाई सिंपल सी बात हो गई, n की वैल्यू आ गई 32/4 यानी 8 टुकड़े दिखेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टुकड़े दिखेंगे हर जगह, यानी n की वैल्यू 8 हो गई। 8 टुकड़े करने के लिए काटना 7 बार पड़ेगा यानी n-1 बार काटना पड़ेगा। n-1 बार यानी 7 बार x एक्सिस पे, 7 बार y एक्सिस पे और 7 बार z एक्सिस पे। तो 3 × n-1 नंबर ऑफ कट्स की वैल्यू होती है, कुल कटाई की संख्या होती है। 3 × 8-1 7, 3 × 7 गाइज कितना होता है 21 बार काटा जाएगा, 21 टाइम्स काटा जाएगा। अरे हाँ या ना, वेरी नाइस। आगे बढ़ें क्या? एनटीपीसी का कोर्स ऐप में कब तक रहेगा? जब तक एनटीपीसी रहेगा। अरे हाँ या ना, जब तक एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हो रहा तब तक रहेगा, जब एनटीपीसी हो जाएगा तो कोर्स भी हट जाएगा, बहुत कॉमन सेंस की बात है। आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान से मेरी बात को सुनना। क्वेश्चन है एक ठोस घन को लाल रंग लगाकर उसके 125 घनाकार टुकड़े किए गए। ऐसे घन बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो, 1 सतह रंगीन हो, 1 रंगहीन हो। अब दोस्तों जहां तक इन क्वेश्चंस की बात है, पूरा एक बार समझ लो। इन चारों का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लिखवाऊंगा और आपको आंसर देना है, पर फॉर्मूला आया कहाँ से अगर आप ये 5 मिनट में समझ जाओगे दोस्तों, फिर आपकी ज़िंदगी भी सेट है और मेरी ज़िंदगी भी सेट है। समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं समझा हुआ जो रटते हैं वो अगले दिन भूल जाएंगे। फॉर्मूला तो रटना ही है, पर समझ के रटेंगे तो आजीवन दोस्तों याद रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? देखिए ज़रा, आपसे क्या कहा, कितने टुकड़े किए दोस्तों? 125। 125 आपको पता है 5 का क्यूब होता है, यानी n की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? 5 आ गई। अगर आपको ये नहीं पता तो ये पूरा टॉपिक कचरा हो जाएगा। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आती है तो बाकी हर चीज़ के लिए फॉर्मूला है, पर 125 का मतलब n की वैल्यू 5। क्या ये बात आपको समझ में आती है? n की वैल्यू 5 से हमारा ये मतलब हुआ दोस्तों कि इसको जहाँ से भी देखोगे आपको 5 टुकड़े हुए हुए मिलेंगे, 5 टुकड़े हर जगह से होते हुए आपको दिखेंगे। पांच टुकड़े दोस्तों हर जगह दिखने चाहिए, तभी जाके असली मतलब निकलेगा। एक सॉलिड क्यूब था, उसके 125 टुकड़े तब होंगे जब n की वैल्यू 5 हो जाए। अब दोस्तों एक चीज इमेजिन करो, रंग ठोस है मतलब सॉलिड है, तो रंग इसके ऊपर लगा होगा, अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे नाखून से हल्का सा कुचरूंगा तो फिर से पुराना कलरलेस नजर में आने लगेगा। अब आप मुझे दोस्तों इतना सा बताओ, इस वाले घन पे कलर कहाँ लगा है? आप कहोगे सर सामने भी लगा है, ऊपर भी लगा है और राइट में भी लगा है। मतलब कितनी सतहों पे रंग लगा है? सर 3 सतहों पे रंग लगा है। अच्छा, इस पे भी 3 सतहों पे रंग लगा होगा, सामने, ऊपर और राइट में, इस पे भी, इस पे भी। अच्छा इस वाले पे सर इस पे दो सतहों पे रंग लगा है, सामने ऊपर सामने ऊपर सामने ऊपर, इस पे भी दो सतहों पे रंग लगा है, सामने नीचे इस पे भी दो दो सतहों पे रंग लगा है, सामने राइट में और इस पे भी दो दो सतहों पे रंग लगा है, सामने लेफ्ट में और इन पे केवल सामने 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 रंग लगा है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? आपने बोला सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। दोस्तों जब एक क्यूब आपके सामने बनता है तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इसमें 8 तो सतहें होती हैं, इसमें 12 किनारे होते हैं, किनारे मतलब एजेस, और इसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं यानी कोने होते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये एक कोना है, ये तीखा वाला। आप जिस कमरे में बैठे हो ऊपर कॉर्नर जहाँ पे दोस्तों 3 सतह मिलती हैं, ये क्या है? एक कॉर्नर है। ये क्या है? एक कॉर्नर है। 8 कॉर्नर होते हैं। कौन से हो गए? देखो ध्यान से, क्यूब बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किनारे एजेस, 6 सतह सामने पीछे लेफ्ट में राइट में ऊपर नीचे और 8 कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है 3 सतह रंगीन कितने घनों की होंगी? दोस्तों इसकी 3 सतह रंगीन होगी, ये कॉर्नर है, 8 के 8 कॉर्नर पे, इस पे भी देखो ऊपर पीछे और राइट में 3 सतहों पे रंग लगा होगा। 8 कॉर्नर्स पे दोस्तों 3 सतहों पे रंग लगा होगा। इसकी वैल्यू 8 हमेशा के लिए फिक्स है, चाहे आप 125 टुकड़े करें चाहे 1000 टुकड़े करें, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। 3 सतह रंगीन का आंसर होगा 8, फिक्स है। दोस्तों आपसे पूछा 2 सतह रंगीन कितने घनों की होगी? ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनना, 2 सतह रंगीन यहाँ मिल रही है, ये जगह कौन सी है? आप कहेंगे सर ये एज है, सर ये किनारा है। अच्छा अगर ये किनारा है तो इस एक किनारे पे कितने मिले आपको? 3, इस किनारे पे भी 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 3, हर किनारे पे हर एज पे 3, तो एक एज पे 3 तो 12 की 12 एज पे 36। पर फॉर्मूला क्या बनाए मुझे बताओ दोस्तों, ये 3 कहाँ से आया? आपने कहा कि सर ये 5 क्यूब्स हैं, n की वैल्यू 5 मतलब ये 5 क्यूब्स हैं, इन 5 में से एक ये वाला और एक ये वाला, 5 में से 2 निकल गए तो 3 बचे। मैंने बोला 5 में से 2 निकल गए, अगली बार n की वैल्यू 6 होगी तो 6 में से 2 निकल जाएंगे, अगली बार n की वैल्यू 7 होगी तो 7 में से 2 निकल जाएंगे, मतलब 12n-2, 12 × 5 - 2 3 × 12 36 आपका करेक्ट आंसर है। मैं केवल इस फॉर्मूले की उत्पत्ति आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आए तो अच्छा है, नहीं समझ में आए तो फॉर्मूला याद करना है, जीवन तो इसी से चलेगा, समझने से इसमें नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन है 1 सतह रंगीन कितने घनों की होगी? दोस्तों 1 सतह रंगीन यहाँ है ना, ये कितने क्यूब्स हैं? आप देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्यूब्स हैं दोस्तों। 9 कैसे आया? सर 9 आया 3 का स्क्वायर। 3 कहाँ से आया? सर 5 - 2 के स्क्वायर से, और 5 क्या है? सर 5 है n की वैल्यू, यानी n - 2 का स्क्वायर, यहाँ 5 n की वैल्यू 5 है, 5 - 2 3 का स्क्वायर 9। 9 इस फेस पे तो 9 पीछे भी, 9 ऊपर भी, 9 राइट में भी, 9 लेफ्ट में भी, 9 नीचे भी, यानी 6 × n - 2 का स्क्वायर। ये तो हुआ फॉर्मूला, यानी 6 × 5 - 2 3 का स्क्वायर, 6 × 9 54 आपका करेक्ट आंसर होगा। पर आपको ये फॉर्मूला दोस्तों याद रखना है। मैक्सिमम 3 जगह पे ही रंग लग सकता है, 4 सतहों पे 4 फेसेस पे रंग लग पाए या 5 फेसेस पे या 6 फेसेस पे लग पाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। 3 फेसेस पे मैक्सिमम रंग लग सकता है, वो भी कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे एक, तो 8 कॉर्नर पे 8 फिक्स है। हर एज पे दो रंग वाले, दो सतहों पे रंग वाले आपको तीन मिलेंगे, यानी 5 - 2 n - 2, तो 12 सतह होती है 12 n - 2। दोस्तों ये 5 बाय 5 का 25 घनों की सतह दिख रही होगी, उसमें से एक लेफ्ट और एक राइट, एक ऊपर और एक नीचे निकाली तो 3 बाय 3 बचा, मतलब 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, 5 - 2 n - 2 का स्क्वायर। 6 सतह हैं सामने, ऊपर, आगे, पीछे, लेफ्ट में, राइट में, तो 6 × n - 2 का स्क्वायर। अब दोस्तों रंगहीन, रंगहीन देखो टोटल 125 क्यूब्स थे, आपने बोला 8 पे 3 सतहों पे रंग लगा है, 36 पे 2 सतहों पे रंग लगा है और 54 पे 3 सतहों पे रंग लगा है। मैंने बोला ये तो 98 हुए, तो 125 - 98 यानी जो 27 क्यूब्स बचे दोस्तों वो कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कलरलेस यानी रंगहीन घन। कहाँ है वो? मैंने कहा ऊपर नीचे सब जगह से दोस्तों एक एक लेयर अगर झाड़ दी जाए, एक एक परत झाड़ दी जाए, तो अंदर जो गुच्छा बचेगा जिसका एक भी सतह खुली हवा में नहीं है, वो जो अंदर की तरफ घुटा हुआ गुच्छा बचा दोस्तों, पूरा बंच बचा, वो कलरलेस है। फॉर्मूला उसका याद रखना चाहें दोस्तों तो n - 2 का क्यूब रट लीजिए, या तो इस तरह से निकालें। पर ये चार क्वेश्चंस बन सकते हैं, बनेगा तो एक ही, क्या पता वो सीधे बन जाए, तो उसके लिए मैं 4 आंसर्स निकाल के माइनस थोड़ी करूंगा। तो n - 2 का क्यूब यानी 5 - 2 3 का क्यूब, 3 का क्यूब दोस्तों 27 होता है, और ये आंसर यहाँ से भी 27 आ रहा है। एक बार और बता दो दोस्त, मैं एक बार नहीं मैं 5 बार बताऊंगा, पर मैं 5 बार बताऊं या तुम इस अगले पिछले 5 मिनट के वीडियो को 5 बार देख लो, बात एक ही होगी या नहीं। तो मैं 5 बार नहीं समझाऊं, इसलिए आप कोशिश करो कि आप इस वीडियो को दोबारा देख लो, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला आया कैसे ये जानना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है प्यारे दोस्तों, आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। 3 सतह रंगीन कितने घनों की होती है? 8 की। 2 सतह टू फेसेस कलर्ड का फॉर्मूला है 12 × n - 2, 1 फेस कलर्ड का फॉर्मूला है 6 × n - 2 का स्क्वायर, और कलरलेस फेस का आंसर फॉर्मूला है n - 2 का क्यूब, यानी 5 - 2 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27। ये आपको दोस्तों याद रखना है, अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। गहलोत जी आपने रिप्लाई नहीं किया, क्या रिप्लाई करना है रे? जसपाल थैंक यू सर, एक बार नैरोलैक का पेंट लगाकर दिखाइए। नैरोलैक का भी लगा देंगे दोस्तों, और एशियन पेंट्स भी लगा देंगे, और दोस्तों जो सबसे सुंदर रंग होता है वो होता है प्यार का रंग, प्यार का रंग भी लगा देंगे। पर प्यार का रंग दोस्तों इस लकड़ी के क्यूब्स पर लगाने से अच्छा है जीवन में लगाया जाए। बोलो राधे राधे, हाँ या ना? तो फटाफट से लिख लो, बाकी सारे रंग दोस्तों मैं लगा दूंगा, ठीक है? यस लिख लीजिए। सर समझ में नहीं आया, सोयल सिंह कह रहे हैं। भाई नहीं आया, फॉर्मूले रटने हैं, और अभी एक और ऐसा एग्जाम्पल करेंगे सब समझ में आ जाएगा, आपको सिर्फ ये फॉर्मूले लिखने हैं अभी। और n की वैल्यू पहचान सकते हो या नहीं पहचान सकते हो ये तय कर लो। अगर n की वैल्यू पहचान सकते हो तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लू कलर किया, ब्लू कलर किया, फिर 343 क्यूब्स में काटा। पहला क्वेश्चन 3 फेसेस कलर्ड यानी 3 सतह रंगीन। दूसरा क्वेश्चन है 2 फेसेस कलर्ड यानी 2 सतह रंगीन। तीसरा क्वेश्चन है 1 फेस कलर्ड और चौथा क्वेश्चन है 9 फेस कलर्ड या कलरलेस, जो भी लिखा हो, रंगहीन। जिन दोस्तों ने पिछले क्वेश्चन के सारे फॉर्मूले लिख लिए थे वो तो इसका आंसर चुटकियों में दे पाएंगे, और अगर अभी तक कुछ लोग फॉर्मूले लिखना चाह रहे हैं तो फॉर्मूले लिख लें, कोई जल्दबाजी नहीं है। नरेश फॉर्मूले लिख लो दोस्त, है ना, ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, लिख लो सब लोग। एक बात बताओ यार, एक बात बताओ कि लगभग 3200 दोस्त इस वक्त लाइव हैं। कितने लोग लाइव हैं? 3200, और लाइक केवल 1800 ने किया है। मतलब 1400 मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कह सकते हैं दरिंदगी की हदें पार कर चुके हैं। 50 मिनट की क्लास होने को आई है और 0.5 सेकेंड में जो लाइक होता है वो नहीं किया। एक बार फटाफट लाइक कर दो दोस्तों, नहीं तो क्लास तुरंत बंद कर दूंगा और जो खुशखबरी देने वाला था वो खुशखबरी भी आप लोगों को आज नहीं बताऊंगा। अगर अगले 30 सेकेंड्स में सबके लाइक नहीं आए तो खुशखबरी भी कैंसिल दोस्तों, क्लास भी कैंसिल, और रीजनिंग पढ़ाने अगली बार से कोई दूसरे गुरुजी को ही भेजता हूँ फिर। हाँ, फटाफट से लाइक होने चाहिए। 3200 लोग हैं, 2100 लाइक्स हुए हैं, सारे लाइक होने चाहिए। इसके आंसर भी तब तक देते रहो दोस्तों। 343 क्यूब्स का मतलब 7 का क्यूब, यानी n की वैल्यू 7 हो गई। कितनी हो गई दोस्तों? n की वैल्यू 7 हो गई। 3 फेसेस कलर्ड फिक्स 8 रहेगा। 2 फेसेस कलर्ड का फॉर्मूला होता है 12 इंटू n माइनस 2, यानी 12 इंटू 5 60। 1 फेस कलर्ड का भी दोस्तों फॉर्मूला दे दीजिए, फॉर्मूला कर लीजिए। 5th क्वेश्चन लिख रहा हूं, कम से कम 2 सतह रंगीन, एटलीस्ट 2 फेसेस कलर्ड। हाँ दोस्तों, ये लास्ट वाला क्वेश्चन, 5वां, इसमें नया क्वेश्चन ऐड किया है, बाकी सारे क्वेश्चन तो वही हैं जो आपने पिछली बार पढ़ लिए। वन फेस कलर्ड का फॉर्मूला क्या होता है सर? 1 फेस कलर्ड का फॉर्मूला होता है 6 इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 6 इंटू 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर, यानी 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25, यानी 150। यानी कितना? 150। अमरीश पुरी की तरह दोस्तों एक साथ आंसर दीजिए, एक ही ऑप्शन में सारे। जैसे अमरीश ने आंसर दिया 8, 60, 30 और 125। देखते हैं सही है या नहीं। 9 फेस कलर्ड दोस्तों, 9 फेस कलर्ड का आंसर क्या होगा? 9 फेस कलर्ड का फॉर्मूला होता है n माइनस 2 का क्यूब, यानी 7 माइनस 2 5 का क्यूब। 5 का क्यूब दोस्तों कितना होता है? 5 का क्यूब होता है 125। तो 125 क्यूब्स ऐसे होंगे जिन पे कहीं भी रंग नहीं लगा। लास्ट क्वेश्चन पे गौर करना दोस्तों, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला है 2 सतह रंगीन का, वो आप जानते हो। इसके आगे कम से कम लग गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई नया क्वेश्चन है नहीं। अगर कॉमन सेंस लगाओ दोस्तों, किसी भी चीज़ के लिए कम से कम का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के लिए कम से कम का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है कि कम से कम 60% वाला एग्ज़ाम में ये फॉर्म भर सकता है, मतलब 70, 80, 90, 95 वाला तो भर ही सकता है। कम से कम 60 होने चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। तो दोस्तों इस एटलीस्ट का मतलब होता है उतना प्लस अधिक। एटलीस्ट का मतलब दोस्तों जीवन में क्या होता है? उतना प्लस अधिक। तो एटलीस्ट 2 फेसेस कलर्ड, कम से कम 2 सतह रंगीन का मतलब है 2 सतह रंगीन भी चलेंगे और 3 सतह रंगीन भी चलेंगे। 4 सतह वाले होते नहीं है, नहीं तो वो भी चलते। तो कम से कम 2 सतह रंगीन का मतलब है दोस्तों कि 2 सतह तो होनी चाहिए, ज़्यादा हो तो भी चलेगी। तो ज़्यादा होती है क्या? 2 सतह से ज़्यादा रंग लगता है क्या? हमने बोला हाँ, 3 सतहों पे भी लगता है। तो 2 सतह वाला आपने फॉर्मूला लगा के निकाला था 60, और 3 सतह वाला 8 फिक्स है। तो ये आपका आंसर दोस्तों 68 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 68 आ जाएगा। हाँ या ना? यस, करेक्ट आंसर गाइस, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं। परफेक्ट, सबके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो दोस्तों आज घन आपको यहाँ पे ही रोकता हूँ। कल की क्लास में मैं आपके सामने दोस्तों मतलब अगली क्लास में इसके घन के बचे हुए क्वेश्चंस जहाँ पे तीन अलग कलर करोगे, ऊपर रेड नीचे रेड सामने येलो पीछे येलो राइट में ग्रीन लेफ्ट में ग्रीन, वो वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। और यही क्वेश्चंस क्यूबॉइड में भी आते हैं दोस्तों, लोग अवॉइड करते हैं कि नहीं ऐसे क्वेश्चन मत कराओ, कराना मुश्किल है समझाना मुश्किल है, पर मैंने कहा मेरे सभी स्टूडेंट्स बड़े समझदार हैं और वो सारे आंसर कर सकते हैं। तो क्योंकि दोस्तों मुझे आप पर विश्वास है इसलिए मैं डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस क्लास में आपके सामने लेकर आऊँगा। पर अभी उस खुशखबरी की बात जो कर रहा था दोस्तों, वो खुशखबरी आपके सामने आप लोग को देने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से मेरी बात सुनना। वैसे दोस्तों आप इस बारे में शायद मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोग को इसकी खबर है, मुझसे ज़्यादा एक्टिव आप लोग हैं। दोस्तों बीती 18 तारीख को यानी जो पिछला अभी गया हुआ संडे है, इस पर रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में दोस्तों पूरे राजस्थान में कुल मिला के 1000 सैमसंग टैबलेट्स, टैबलेट मतलब 8 इंच का जो स्मार्ट टैबलेट होता है, 1000 टैबलेट्स दोस्तों पूरे राजस्थान में उत्कर्ष की तरफ से निर्मल सर की तरफ से निःशुल्क राजस्थान की बेटियों को दिए जा रहे हैं। उसके लिए बीती 18 तारीख को आपको याद होगा रात संडे को रात को 8 से 10 के बीच में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज लकी ड्रॉ निकाले गए, जिस डिस्ट्रिक्ट का राजस्थान में जितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है 1000 टैबलेट का ही उतना परसेंट उस डिस्ट्रिक्ट में लकी ड्रॉ की संख्या थी। उसके हिसाब से दोस्तों हम सभी इंक्लूडिंग मी जो हमारे बाकी फैकल्टी लोग हैं सबको दोस्तों एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर इन बेटियों को इन बहनों को टैबलेट पहुंचाने का, उन तक पहुंचाने का जिम्मा दिया गया है। मेरे हाथ में उदयपुर का जिम्मा है, किसी के हाथ में जयपुर का, किसी के हाथ में टोंक का, किसी के हाथ में अलवर का। तो दोस्तों अगले 3 दिन यानी कल फ्राइडे सैटरडे और संडे 23, 24 और 25 तारीख को दोस्तों आपकी NTPC कक्षाओं की पूरी सभी क्लासेज इंक्लूडिंग साइंस और हिस्ट्री वगैरह सबका पूरा कोर्स जो है दोस्तों उसका अगले 3 दिन अवकाश रहने वाला है। उसका कारण ये है कि जो काम अधूरा रह चुका है उसे हम लोग पूरा करने दोस्तों अगले 2-3 दिन आपसे मोहलत लेना चाहेंगे। पर इससे आपके कोर्स की गति धीमे नहीं होगी, इससे हम में और ऊर्जा आएगी जब हम इन बच्चियों तक ये हमारा सेवार्थ कार्यक्रम पूरा कर पाएंगे, उनके हाथ में वो टैबलेट दे पाएंगे जिसके लिए उन्होंने चाहत रखी थी, जिसके लिए उन्होंने एक फॉर्म भरा था। और राजस्थान के पूरे 33 जिलों में एक एग्जाम्पल दे पाएंगे कि किस तरह एक व्यक्ति और एक संस्था किस तरह समाज सेवा के कार्यों में लगातार अपने प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ इन सेवार्थ कार्यों में भी भाग लेती रहती है और आगे भी लेती रहेगी। तो दोस्तों इस बात से आपको भी प्रेरणा मिलनी चाहिए। मैं तो निर्मल सर के साथ दिन के 12-14 घंटे निर्मल सर के कांटेक्ट में रहता हूं, तो मुझ में तो ये प्रेरणा है ही, पर ये आप लोगों से मैं शेयर करना चाह रहा था कि अगले 3 दिन आपके NTPC बैच की सारी क्लासेस को रोका जाएगा और मंडे से दोस्तों फिर आप सबके सामने हम सभी टीचर्स लगातार क्लासेस लेकर आएंगे और कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो इन 3 दिनों को पढ़ाई के मामले में पूरा यूटिलाइज़ कीजिएगा दोस्तों। और आपके जो जो राजस्थान से हमारे बच्चे जुड़े हैं, आपके ज़िले में जो भी टीचर्स आ रहे हैं उसको आप उसकी जानकारी आपको यूट्यूब चैनल पे और हमारे फेसबुक पेज पे यूट्यूब की कम्युनिटी पर आपको ये सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं। अगर आप हमसे मिलने के इच्छुक हो तो हमसे मिलने भी पधारिएगा। मुझे उदयपुर मिला है तो मेरे सभी उदयपुर के दोस्त मुझसे मिलने आएंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसकी जानकारी के लिए आपको फेसबुक पेज पे एक बार इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए कब कहाँ और किस तरह मुलाकात हो सकती है। तो दोस्तों ये 3 दिन एंजॉय कीजिए और जम के सेल्फ स्टडी कीजिए। इतने दिन से आप जो पढ़ते आ रहे हैं उसको अब आपको और कसकर पकड़ना है। अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। मिलता हूँ मंडे को सभी टीचर्स के साथ फिर से इस NTPC क्रैश कोर्स में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।